हे गाइस, दिस इज़ राजीव एंड वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। दोस्तों, आपने कभी भी देखा होगा कि कई सारे लोगों की आंखों में बैक्टीरियल इन्फेक्शन के चलते उनके आंखों में सूजन होना, लाल होना, आंखें खून की तरह लाल हो जाना एंड उसमें खुजली होना, चिंग होना। तो इन सारे प्रॉब्लम जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण हो सकता है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे आई ड्रॉप्स के बारे में आपको बताऊँगा तो जो कि इन सभी बैक्टीरियल इन्फेक्शन जिसके चलते आपके आंखों में कई तरह की प्रॉब्लम हो जाती है, तो इन सभी को वो प्रिवेंट कर सकता है, रोक सकता है। तो दोस्तों, मैं इससे पहले आपको सुझाव दूंगा कि आपको अगर किसी तरह की भी आंखों में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप तुरंत डॉक्टर की सलाह, फिजिशियन की सलाह जरूर लें। तो चलिए दोस्तों, हम आज की इस ड्रॉप के बारे में देख लेते हैं। दोस्तों, जो हमारा ड्रॉप है वो है सिफ्लॉक्स डी। तो सिफ्लॉक्स डी एक ऐसा ड्रॉप है दोस्तों जिसे हम एंटीबैक्टीरियल ड्रॉप भी कहते हैं। तो इसमें कई सारे एंटीबैक्टीरियल या फिर एंटीबायोटिक्स होते हैं जैसे सिफ्रोलैक्सिन एंड द डेक्सामेथासोन। तो इसे हम सिफ्लॉक्स डी जो कि सिफ्ला की ओर से इसे मैन्युफैक्चर किया जाता है, तो हम इसके कंटेंट को देख लेते हैं। तो दोस्तों, इसमें जो कि सिफ्रोलैक्सिन हाइड्रोक्लोराइड यानी जो कि सिफ्रोलैक्सिन जो कि 0.3% वेट बाय वॉल्यूम है, उसी तरह डेक्सामेथासोन जो कि 0.1% वेट बाय वॉल्यूम एंड बेंजालकोनियम क्लोराइड 0.01% वेट बाय वॉल्यूम एंड जो इसकी जो एक्वस व्हीकल है वो उसकी क्वालिटी सफिशिएंट है। दोस्तों, एक ऐसी एक ड्रॉप है जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को इसी तरह से वे प्रिवेंट करता है एंड उसे रोकता है। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं, तो इसकी जो MRP है वो है 19.96 यानी अप्रॉक्सीमेटली जो कि 20 रुपीज़ है। तो एक बहुत ही बढ़िया ड्रॉप है। एंड दोस्तों, ये जो सिफ्रोलैक्सिन कम्बिनेशन का जो सिफ्लॉक्स डी जो ड्रॉप है, ये आपको जो कि आपको डॉक्टर की सलाह लेकर आप इसे यूज़ कर सकते हैं। एंड इसकी जो सलाह इसमें दिया जाता है वो कि 1 से 2 ड्रॉप 4 घंटे के अंतर अंतर आपको एक वीक तक आपको इस यूज़ करना होता है। एंड दोस्तों, इसकी जो नोजल होता है जो कि मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, तो इसकी जो ढक्कन होता है आप इसे खोलने के बाद इसे इस तरह यहाँ पर टच ना करें ताकि आपकी उंगली में कई तरह की बैक्टीरिया हो सकती है, वो आपके जो कि फिर से आपके आँखों में इन्फेक्शन प्रोड्यूस कर सकता है। एंड आप जब इसे खोलेंगे तो विद इन 1 मंथ में ही इसे यूज़ करना होगा, नहीं तो जो इसकी जो इफेक्टनेस है वो कम हो जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अगर हमारे चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। हम इसी तरह मेडिसिन रिलेटेड कई सारे वीडियोज़ लाते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।